नमस्कार किसान भाई साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दरोदा मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विष्णु पाटीदार। दोस्तों, दिन आज का 23 अप्रैल 2023 का रविवार का दिन, छुट्टी का दिन, अवकाश का दिन। दोस्तों, आज की आवकों की स्थिति जो दरोदा मंडी के अंदर का हमें देखने को मिल रही है, इसके अनुसार कुछ आवश्यक सूचना भी दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी, जिससे कि आपको अगर आप मंडी के लिए आग निकलते हैं तो उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाए और उसके बाद में अपना निर्णय ले सके। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरा सुने। कुछ आवश्यक सूचना भी है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान की जाएगी। ये जो आपके मंडी के अंदर आज हमें देखने को मिल रही है लहसुन की आवकों की स्थिति, आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान करूंगा, जो 24 अप्रैल 2023 के दिन सोमवार के दिन मंडी के अंदर बिकने के लिए आई हुई लहसुन की आवकों की स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। मेरी जानकारी दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार अगर आप जानकारी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सभी किसान भाई दरोदा मंडी से सारी और जल्द से जल्द हर प्रकार की जानकारी देख पाए। दोस्तों, अगर आज की अगर जानकारी बताऊं, सबसे पहले मैं आपको जानकारी प्रदान कर दूं कि दोस्तों अभी की स्थिति में हाल फिलहाल की जो रिपोर्टिंग में जानकारी अगर आपको पहुंचा रहा हूं, इस रिपोर्टिंग के अनुसार अभी तक की जानकारी ये है कि मंडी के अंतर्गत अभी किसी भी प्रकार के वाहनों को मंडी के अंदर प्रवेश नहीं मिल रहा है। दोस्तों, ये जानकारी किसी भी प्रकार की कुछ कार्यक्रम होने की वजह से मंडी के प्रांगण में अभी कोई वाहन प्रवेश नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, जिससे कि मैं आपको जानकारी प्रदान करूं कि ये भी जो आवके आपको देखने को मिलेगी, ये अभी जो कल दिन में या कल शाम को जो खाली हुआ वही वाहनों के आवके हमें देखने को मिली, वही लहसुन के आवके देखने को मिली है। बाकी अन्य किसी भी प्रकार की जिनसों में मंडी के प्रांगण में किसी भी प्रकार की जिनसों को अभी प्रवेश नहीं मिल रहा है। दोस्तों, ये जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रदान कर रहा हूँ। बल्कि अगर आप मंडी में आना चाहते हैं तो अभी मंडी प्रशासन का आदेश है कि जो भी किसान भाई मंडी में अगर आना चाहता है तो वो शाम को मंडी के अंदर प्रवेश मिलेगा। दोस्तों, जिसके अंतर्गत देखते हुए आप अपना निर्णय खुद लीजिएगा। मैं आपको आवकों की स्थिति, मंडी प्रांगण की जो देखने को मिल रही है, ये जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान कर रहा हूं। तो दोस्तों, अब इसके बाद में अगर गेहूं, चना, अलसी, मेथी, चना, कोई भी कृषि उपज अगर आप लेकर आना चाहते हैं तो मंडी प्रशासन का यह आदेश है कि आपको अभी मंडी के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। यह शाम को या फिर दोपहर के बाद में जब भी कार्यक्रम खत्म होगा उसके बाद में आपको मंडी के अंतर्गत प्रवेश मिलेगा। दोस्तों, बल्कि आगामी अगर किस प्रकार की जानकारी होगी मंडी प्रशासन तय करेगा। अभी तक की जो जानकारी मुझे मिली है, ये जानकारी दोस्तों मैं आप सभी किसान भाइयों को वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान कर रहा हूं।